नमस्कार, आईबीएन भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। किसानों का ट्रैक्टर मार्च शुरू हो चुका है। 11 बजे से किसानों ने केएमपी एक्सप्रेसवे पर यह अपना मार्च शुरू किया। किसानों का कहना है कि जो कृषि बिल है सरकार का, सरकार ने जो पारित किया है कृषि बिल सदन में, वह उनका हित नहीं करता। जबकि सरकार यह कह रही है यह कृषि बिल किसानों के लिए है, उनके हित के लिए है। किसानों का कहना है कि यह उद्योगपतियों के लिए है। उद्योगपति जो हैं वो उनके इशारे पर सरकार ने यह तय किया है, यह बिल लेकर आई है। लेकिन सरकार कह रही है कि इसे, इस बिल से किसानों का कल्याण होगा। दोनों में इसी बात को लेकर रस्सा कस्सी जारी है। किसान यह कह रहे हैं कि इस कृषि बिल को निरस्त कर दिया जाए, जबकि सरकार यह कह रही है कि इसमें संशोधन किया जाए। कई दौर की बातचीत हो चुकी है और बातचीत बेनतीजा निकली है। सरकार एक तरफ अड़ी हुई है और किसान दूसरी तरफ अड़े हुए हैं। इस ठिठुरती ठंड में दिल्ली के बॉर्डर पर किसान डेरा जमाए हुए हैं, आंदोलन खड़े किए हुए हैं। आज ट्रैक्टर मार्च निकाला है उन्होंने। कल सरकार के साथ बातचीत होनी है और यह बातचीत किसी बिल को लेकर है। किसान कह रहे हैं कि हम किसी भी कीमत पर, जब तक यह बिल निरस्त नहीं होता, आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। लेकिन सरकार मान मनौवर पर उतारू है। वह कह रही है कि हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान संशोधन की बात को सिरे से खारिज कर रहे हैं और इसे निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। कल बातचीत होनी है सरकार के साथ किसानों की, किसान संगठनों की। उससे पहले यह मार्च निकाला गया यह दिखाने के लिए कि हम अपनी बात पे अडिग हैं, हम आंदोलन जारी रखेंगे। किसानों ने यह चेतावनी दी है कि अगर कल की बात बेनतीजा निकलती है, किसानों की बातें नहीं मानी जाती हैं, तो यह कृषि बिल की जो प्रतियां हैं उसे जलाएं। इससे बात साफ हो जाती है कि सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। कई इकोनॉमिस्ट, कई बातें ऐसी होती, यह बताया जाता है कि यह बिल किसानों का विरोधी नहीं है, इससे उनके दीनहीन दशा में सुधार लाएगा यह बिल। लेकिन किसानों को यह बात समझ में नहीं आती या सरकार समझाने में अक्षम साबित हो रही है। अगर यह बिल इनके हित की बात करता है तो इस बिल की अच्छाइयों को उनके सामने रखना चाहिए। और कौन है जो अपनी हित की बात को नकार देगा? किसान इतने भी मूर्ख नहीं है कि विपक्ष के बातों में आकर बहक जाए, उनको अपना हित और दूसरे का हित समझ में ना आए। खैर, किसान आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। सरकार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। उनका ट्रैक्टर मार्च शांति से निकला है। सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार कुछ अनहोनी ना हो इसलिए भारी सुरक्षा बल तैनात किए हुए हैं। ऐसे में किसानों के आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तबलीगी जमात की तरह यह किसान आंदोलन ना हो जाए। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबड़े ने कहा है कि हमें नहीं पता कि किसान कोविड से सुरक्षित हैं या नहीं।
तो ये पक्ष ये भी आता है कि आखिर जो किसान आंदोलन कर रहे हैं क्या वो कोविड से सुरक्षित हैं या नहीं, और इसकी जिम्मेदारी किसकी है। जाहिर सी बात है कि इसकी जिम्मेदारी भी सरकार की है, और किसानों को कहीं कोविड ना हो, उससे ग्रसित ना हो, इसके लिए भी सरकार को इंतजाम करने चाहिए। फिलहाल कल बैठक है सरकार और किसानों के बीच, किसान संगठनों के बीच। पूरे देश की निगाहें कल की बैठक पे बनी हुई है। अब देखना यह है कि आज के मार्च के बाद और कल की बैठक में क्या होता है, क्या किसानों की बातें मानी जाती हैं या सरकार उन्हें यह समझाने में सफल होता है कि ये जो बिल है उनके हित के लिए। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।